अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हीट केक की रेसिपी, जो कि मैं बनाऊंगी विदाउट अवन। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको अवन के बगैर बेकिंग करना सिखाऊं, तो हम बनाएंगे ये केक स्टोव के ऊपर इन अ पॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केक के लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए उसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप ब्राउन शुगर। मैं यूज कर रही हूँ लाइट ब्राउन शुगर। अगर आपके पास डार्क ब्राउन शुगर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसमें जागरी, जिसको गुड़ कहते हैं, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1/2 कप योगर्ट, जो कि अनस्वीटेंड है। जैसे का जो पैक में योगर्ट आता है वो यूज किया है। 1/3 कप मिल्क जाएगा। 1/2 कप हम यूज करेंगे आटा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। 2 टीस्पून वनीला एसेंस और ऑलमोस्ट 1 कप मेरे पास है चॉप्ड हेजलनट्स। ये रोस्टेड है और सॉल्टेड भी है। और इसमें जाएगा 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल और मैंने लिया है 1 कप सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो हम यूज करेंगे बेकिंग के अंदर। तो चलें अब आपको दिखाते हैं कि स्टोव ओवन कैसे सेट करना है। मैंने ले लिया एक स्टेनलेस स्टील का पतीला, जो कि ऑलमोस्ट मीडियम टू लार्ज साइज का है। अब मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगी 1 कप सॉल्ट, जो उसके हम बॉटम पे प्लेस करेंगे। सॉल्ट प्लेस करने का पर्पज ये है कि सॉल्ट जो बॉटम है उसको बर्निंग से प्रिवेंट करेगा और ये मॉइस्चर और प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि हमारे केक को परफेक्टली बेक करेगा। इसको मैं एक स्पैचुला की हेल्प से इवनली स्प्रेड कर लूंगी। इसके अंदर मैं प्लेस कर दूंगी वायर रैक, ये भी स्टील का है। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो आप इस तरह का पैन सपोर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चूल्हे के साथ अटैच्ड होता है। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई के ऊपर। अब मैं इसको कर दूंगी लिड से कवर और इसको हम प्री हीट होने देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। तब तक हम अपना केक प्रिपेयर करते हैं। इस केक में मैं अंडों का इस्तेमाल नहीं कर रही, दिस इज एन एगलेस केक, तो इसकी जगह मैं योगर्ट को यूज कर रही हूँ। तो जो हमारा 1/2 कप योगर्ट है वो मैं ऐड कर दूंगी एक मिक्सिंग बोल के अंदर और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और योगर्ट को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे कि थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी डबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फोमी हो गया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क। इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अब इसमें चली जाएगी हमारी ब्राउन शुगर, इसको भी अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस। मैं इसमें एक सिफ्टर यूज करूंगी और इसमें हम ऐड कर देंगे आटा और इसको सिफ्ट करके इसमें ऐड करेंगे। सिफ्टिंग से ये होगा कि जितने भी ये लम्स हैं आटे के, ये इसमें से रिमूव हो जाएंगे और जो हमारा केक का मिक्सचर है वो बहुत स्मूथ बन जाएगा। रिमेनिंग आटा ऐड कर लेंगे। आटा हमारा सिफ्ट हो गया है। लास्टली मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर, इसको भी सिफ्ट करके बोल में ऐड कर देंगे। इसको हम हल्के हाथों से विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्सचर थोड़ा सा थिक है क्योंकि हमने ऑयल ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। बैटर को मैंने कंबाइन कर लिया है बहुत अच्छे से और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी थिक है। अब मैं इसमें थोड़े से नट्स इसके अंदर ऐड करूंगी, थोड़े नट्स हम इसके टॉप के ऊपर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि रेजिन्स या फिर वॉलनट्स या पिस्ताशियोज, आपकी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें हेजलनट्स ऐड कर दिए। नाउ आवर बैटर इज कम्प्लीटली रेडी। अब हम मोल्ड को लाइन करते हैं। मैंने ले लिया है एक 6 इंच का एल्यूमिनियम मोल्ड और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और इसको मैं ब्रश की हेल्प से बॉटम पे और साइड्स पे इसको स्प्रेड कर लेंगे। जितना एक्सेस ऑयल है उसको ड्रेन कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और इसको हम बॉटम के ऊपर
और साइज के ऊपर इसको डस्ट करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास बटर पेपर नहीं अवेलेबल होता उनके लिए ये अच्छा हैक है। बाकी को भी एक्सेस को डस्ट ऑफ कर लेंगे। एंड अ ग्रीस प्रूफ मोल्ड इज रेडी। अब बैटर को इसके अंदर डालते हैं। इफ यू वॉन्ट तो आप आटे को मैदे के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट दिस इज अ ग्रेट रेसिपी फॉर डाइट कॉन्शियस पीपल। अब हम अपने जो मिक्सचर है उसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसको टैप कर लेंगे ताकि इसमें से जितने एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और टॉप पे मैं बाकी हेज़लनट्स को डाल दूंगी। हमारा स्टोव ओवन जो है वो हीट अप हो चुका है। अब मैं अपने मोल्ड को इसके अंदर डाल दूंगी और इसको लिड से कवर कर देंगे। फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम लो के ऊपर और इसको बेक होने रख देंगे 30 से 35 मिनट्स के लिए। इसको अब मैं कवर कर दूंगी इस हैवी वेट के साथ। आपके पास किसी भी फॉर्म का वेट अगर किचन में अवेलेबल है तो उसे आप इसको कवर कर सकते हैं ताकि इसमें हीट ट्रैप्ड रहे और गैस इसमें से एस्केप ना हो। तो जैसे ही बेक होता है आपको दिखाते हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम अपने केक को चेक करते हैं। मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है और हमारा केक बहुत अच्छे से राइज हो गया है। अब मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखूंगी कि ये कम्प्लीटली कुक्ड है कि नहीं, और टूथपिक बाहर बिल्कुल क्लीन आई, दैट मीन्स आवर केक इज कुक्ड। अब मैं इसको निकालूंगी और वायर आग पे रख दूंगी कूल डाउन होने के लिए। केक कूल डाउन हो चुका है, अब इसको मोल्ड से निकालते हैं। मैं एक छोटी सी नाइफ यूज कर रही हूं ताकि हम साइज को स्क्रेप कर लें और ये इजीली बाहर आ जाए। इसको टैप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी क्रस्ट भी बहुत अच्छे से बेक हुई है, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनाए। मैंने केक को केक बोर्ड पे निकाल लिया है, अब इसको कट करके आपको दिखाते हैं। अब इसको कट करते हैं। देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। केक बहुत सॉफ्ट है, बहुत मॉइस्ट है और इसका जो मीठा है वो बहुत लाइट और बहुत बैलेंस्ड है। एंड इट्स ग्रेट फॉर पीपल जो कि डाइट पे हैं, तो आप अपने मैक्रोस ट्रैक करके इस केक को बना सकते हैं। आई होप आप सबकी रेसिपी पसंद आई होगी और आप जरूर ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। I'll be meeting you guys in another video. Allah Hafiz.